हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वॉन्डरिंग अब्रॉड। असीम भारद्वाज आपका होस्ट दोस्त, और मैं बात करूंगा आज इस वीडियो के अंदर एयर सुविधा के बारे में। सबसे पहले जानते हैं एयर सुविधा है क्या और क्या चेंजेस आगे आने वाले टाइम के अंदर जल्दी से जल्दी हमें देखने को मिलने जा रहे हैं। एयर सुविधा एक पैसेंजर लोकेटर फॉर्म है जिसे भर के आपका जो हेल्थ स्टेटस है उसे चेक किया जाता है, आपको ट्रैक किया जाता है। पैसेंजर लोकेटर फॉर्म है, आप कहाँ जा रहे हैं, कितने लोगों के कांटेक्ट में आए, किस फ्लाइट में आप ट्रैवल कर रहे थे, आपका एड्रेस क्या है जहाँ आप गए, और ये एक बहुत ही स्ट्रांग प्रोसेस रहा है अपने आप में पीछे जब तक कोविड था 2 सालों के अंदर, और अब जो है इसके अंदर फाइनली कुछ चेंजेस देखने को मिलने जा रहे हैं हमें। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल द वॉन्डरिंग मैन अब्रॉड, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अब यहाँ पे जो चैलेंजेस लोगों ने अभी तक फेस किए हैं वो ये कि लोगों को जैसे RT-PCR रिपोर्ट अपलोड करनी है, वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं, तो उसमें बहुत चैलेंजेस आते थे क्योंकि फाइल साइज़ कभी बड़ा होता था कभी छोटा होता था, और लोग ट्रैवल कर रहे हैं सब लैपटॉप कैरी नहीं करते, डेस्कटॉप कैरी नहीं करते, ऑफकोर्स आपको पता है फ़ोन से लोग उसे करने की कोशिश करते हैं और वो प्रॉपरली नहीं कर पाते उस चीज़ को। विद दैट रिज़ल्ट उन्हें अपने जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं या रिलेटिव्स या फ्रेंड्स, उन्हें कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, उसको फॉर्म को फिल करवाना पड़ता है। अब इस फॉर्म का क्या फ़ायदा अगर कोई और आपके बिहाफ पे इस फॉर्म को फिल कर रहा है। सो टू सिंप्लीफाई थिंग्स, अभी जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उन्होंने यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ ये अपील की है और एक प्रपोजल रखा है कि एयर सुविधा पोर्टल को जो है आसान बनाया जाए लोगों के लिए। काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि एयर सुविधा हटने जा रहा है, स्क्रैप हो जाएगा। इसके चांसेस अभी नहीं है, चांसेस ये बनते हैं यहाँ पे कि उसे इजी कर दिया जाएगा। क्या चेंजेस हैं? अच्छी खबर यहाँ पे है कि अब आपको वैक्सीन के सर्टिफिकेट अपलोड करने नहीं पड़ेंगे। तो जो लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं, इंडिया एंटर करते हैं, उनके केस के अंदर क्या है कि दोनों वैक्सीन के सर्टिफिकेट एयर सुविधा पे अपलोड करने पड़ते हैं अगर वो फॉरेन ट्रिप कंप्लीट करके इंडिया आ रहे हैं या इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं जो इंडिया विजिट कर रहे हैं, दोनों के केस के अंदर। और कुछ लोगों को RT-PCR अपलोड करना पड़ता है, जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं या पार्शली वैक्सीनेटेड हैं, या बच्चे जो 5 साल और 17 साल के बीच में फॉल करते हैं, या 5 साल के हैं 17 के हैं उसके बीच के हैं, उन्हें उनके केस के अंदर RT-PCR टेस्ट अपलोड करना पड़ता है। ये चीज़ें हमने बहुत बार अपनी वीडियोस के अंदर डिस्कस की हैं आपके साथ कि एयर सुविधा मैंडेटरी है, बच्चों को ये करना है, वैक्सीनेटेड लोगों को ये करना है और एयर सुविधा ज़रूर भरना है। तो यही अच्छा एक पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है कि आपके लिए एयर सुविधा बहुत आसान होने जा रहा है। वैक्सीन के सर्टिफिकेट और RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट को अब अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन वेट अ मिनट हियर, अभी इसके ऊपर एक ड्राफ्ट आना बाकी है। अगर आप इस वीडियो को आज देख रहे हैं या इस वीडियो को आप कल देखेंगे, जब भी आप देखते हैं इसके आसपास अगर आप देख रहे हैं वीडियो को, तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग अभी भी इंडिया एंटर करने लगे हैं, फॉरेन में हैं और 1-2 दिन के आने में बचे हैं, तो उस केस के अंदर अभी भी आपको एयर सुविधा भरना पड़ेगा, वैक्सीन के सर्टिफिकेट भी अपलोड करने पड़ेंगे, RT-PCR अपलोड भी करनी पड़ सकती है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम ये वीडियो बना रहे हैं इसका मतलब ये कि हट गया है, कुछ नहीं हटा है, बस ये है कि अभी हम एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की यहाँ वेट कर रहे हैं। तो जब तक ये अनाउंसमेंट नहीं आती तब तक आपने अपने वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं अगर आप वैक्सीनेटेड हैं। अगर आपको RT-PCR टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ती है किसी भी कंडीशन की वजह से, तो आपको RT-PCR रिपोर्ट जो है अभी भी अपलोड करनी पड़ेगी। ओके, सो वेट। लेकिन ये चेंजेस बहुत ही मतलब देख स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस हैं यहाँ पे, मैं ये कह सकता हूँ इन अदर वर्ड्स, और बहुत ही जल्दी आपको कोई न्यूज़ मिल जाएगी आने वाले कुछ दिनों के अंदर, ये न्यूज़ आ सकती है बहुत ज़बरदस्त, सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है मैं ये कहूँगा। और इसके अलावा अगर आप बात करें थोड़ी सी इंटरनेशनल अराइवल गाइडलाइंस की, तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो है मेरे चैनल पर, और मैं अभी एक्सपेक्ट करता हूँ कि इंटरनेशनल अराइवल गाइडलाइंस को भी रिवाइज़ किया जाएगा, क्योंकि ये जो क्लॉज है एयर सुविधा का उसके अंदर बहुत क्लियरली स्पेसिफाइड है ये चीज़ अभी भी, जो मैं इस वक्त इस वीडियो को जब बना रहा हूँ और मैं इस वक्त अपने सामने देख सकता हूँ, उसके अंदर बहुत साफ लिखा है
कि एयर सुविधा पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करने हैं अगर आप वैक्सीनेटेड हैं। तो वो क्लॉज हम अभी पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। ये क्लॉज जो है हटना चाहिए, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट है इंटरनेशनल अराइवल गाइडलाइंस का, ये 10 फरवरी 2022 का है। उसके बाद से कोई भी रिविजन्स इंटरनेशनल अराइवल गाइडलाइंस में नहीं हुए अभी तक। तो हम उसको फटाफट देख लेते हैं उसमें अभी क्या लिखा है, ताकि जस्ट टू बी ऑन सेफर साइड के कोई गलत स्टेप ना ले लें, कि वो सोचें कि मुझे एयर सुविधा भरने की ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाता हूँ, इंडिया एंटर कर जाता हूँ। तो वहाँ आपको रोक लिया जा सकता है, या आपको इंटरनेशनल, मतलब जब आप वापस आएंगे इंटरनेशनल किसी एयरपोर्ट पे आपको रोका जा सकता है उस चीज़ के लिए। अभी भी जब तक एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट या एक ड्राफ्ट, ऑफिशियल ड्राफ्ट नहीं आता हमारे सामने, ओके। तो चलिए फटाफट से इसको एक बार देख लेते हैं और इस वीडियो को फिर उसके बाद करते हैं खत्म। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारे पास ये इंटरनेशनल अराइवल गाइडलाइंस डेटेड 10th of February 2022, ये टॉप राइट हैंड साइड पे लिखा है, आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गाइडलाइंस फॉर इंटरनेशनल अराइवल्स इन सप्रेशन ऑफ ऑल गाइडलाइंस इशूड ऑन द सब्जेक्ट ऑन एंड आफ्टर 20th January 2022। नीचे देखें थोड़ा सा जाके, दिस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर शेल बी वैलिड विद इफेक्ट फ्रॉम 14th of February 2022 Till further orders, okay? पहला पॉइंट है यहाँ पे A1, planning for travel, और यहाँ पे लिखा है all travelers should submit complete and factual information in self-declaration form on the online air suvidha portal। ये लिंक है इसका newdelhiairport.in, air suvidha। ये कॉमन लिंक है, आप कहीं पे भी रहते हैं, किसी भी सिटी में आप ट्रैवल कर रहे हैं, ये लिंक कॉमन है, एक ही लिंक है। मुंबई का लिंक अलग नहीं है, चेन्नई का अलग नहीं है, कोलकाता का अलग नहीं है, सेम लिंक है। लेकिन लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है इसमें भी कि ये न्यू दिल्ली एयरपोर्ट का लिंक हम क्यों भर रहे हैं। तो ये एक वही लिंक है, सिर्फ एक ही लिंक है। और आगे आप पढ़ें, लिखा है अपलोड अ नेगेटिव कोविड-19 RT-PCR रिपोर्ट, द टेस्ट शुड हैव बीन कंडक्टेड विद इन 72 आवर्स प्रायर टू अंडरटेकिंग द जर्नी। तो अगर आपको कोविड-19 PCR टेस्ट रिपोर्ट मतलब सबमिट करनी है, तो उस केस के अंदर आपकी रिपोर्ट 72 घंटे से ऊपर की ना हो, उसके भीतर की हो, अंदर की हो, विदिन 72 आवर्स, ओके। और सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीटिंग फुल प्राइमरी वैक्सीनेशन शेड्यूल ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन, या आप अगर एलिजिबल हैं, आप फुली वैक्सीनेटेड हैं, या उन तमाम लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ में 103 कंट्रीज़ में आपकी कंट्री का नाम आता है, तो उस केस के अंदर जो है आपको वैक्सीन के सर्टिफिकेट अपलोड करने पड़ेंगे। मतलब कि कुछ कंट्रीज़ की, उन कंट्रीज़ की, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ कंट्रीज़ को अंडर रेसिप्रोकल अरेंजमेंट जो है एग्जेम्पशन दी है कि वो अपने वैक्सीन के सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, RT-PCR रिपोर्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन कुछ कंट्रीज़ उस लिस्ट में, अगर उन कंट्रीज़ का नाम नहीं, जैसे कि फॉर इंस्टेंस फ्रांस हो गया या इटली हो गया, आई थिंक फ्रांस का नाम है इफ़ आई एम करेक्ट, लेकिन इटली का नाम उसमें नहीं है, तो उस केस के अंदर आपको जो है RT-PCR अपलोड करनी पड़ सकती, इवन इफ़ यू आर फुली वैक्सीनेटेड। लेकिन मोस्टली इवन फॉर इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स, या उन लोगों के लिए, उन कंट्रीज़ के लोगों के लिए जो लोग 103 लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ में आते हैं, उनके केस के अंदर आपको सिर्फ अपना वैक्सीन के सर्टिफिकेट जो है अपलोड करने पड़ते हैं। ये मतलब है इसका। और बस इससे आगे पढ़ने की इसको पूरा ज़रूरत नहीं है, मैंने अभी भी आपको ये क्लॉज दिखाया है। इसका मकसद दिखाने का ये है कि मैं आपको ये बताऊँ कि अभी एयर सुविधा मैंडेटरी है, और इसमें दोनों ये क्लॉज डले हुए हैं जो कि हटने जा रहे हैं बहुत जल्दी, बहुत जल्दी हटने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे इंतज़ार करने की ज़रूरत है, आने वाले कुछ दिनों के अंदर हमें बहुत स्ट्रांग न्यूज़ इसके बारे में पता लगने लगी है। और अगर ये दोनों हट गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि एयर सुविधा फॉर्म जो है आपने नहीं फिल करना है। एक बेसिक सा फॉर्म होगा जो कि आपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू भी आप फिल कर पाएंगे, बस ये जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का चक्कर है, फाइल साइज़ का चक्कर है, ये आपके लिए ख़त्म हो जाएगा। ऑलराइट, दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइज। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं, ये अपडेट कैसा लगा जरूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। आई सी यू वंस अगेन, अपना बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखें। गुड बाय।